थ्रिलर फिल्म जिसे सस्पेंस फिल्म या फिर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसी व्यापक फिल्म जॉनर होती है जो ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट और सस्पेंस पैदा करती है। और इन सस्पेंस फिल्मों की स्टोरी भी इतनी अजीब होती है ना कि आपको एंड तक बांधे हुए रखती है, कभी भी बोर नहीं होने देती है। तो आइए इस वीडियो में हम 5 ऐसे सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आप आसानी से देख भी सकते हो और इनकी खतरनाक सस्पेंस स्टोरी आपके माइंड को खंगाल के रख देगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं 5वें नंबर से। तो ये फिल्म है मंगलवारम। इस फिल्म को साल 2023 में रिलीज की गई थी। ये जो मूवी है ये मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा के ऊपर बेस्ड है। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक गांव होता है जहां पर हर मंगलवार के दिन कोई न कोई मर रहा होता है और दूसरी तरफ एक लड़की होती है जिसे गांव का हर एक लड़का अपनी हवस का शिकार बना रहा होता है। अभी सोचने वाली बात है कि गांव का हर एक बंदा उस लड़की को अपनी हवस का शिकार क्यों बना रहा होता है। और सबसे सस्पेंस वाली बात तो ये है कि इस गांव में हर एक मंगलवार को ही कोई ना कोई मर क्यों रहा होता है। ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना ही पड़ेगा। इस फिल्म की स्टोरी इतनी सस्पेंस वाली है कि इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको एंड तक बांधे रखती है, कभी बोर नहीं होने देती है। इसकी रेटिंग की बात करें तो इसको IMDB पर आउट ऑफ 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। तो अगली फिल्म है फ्राइडे। तो भाई इस फिल्म में क्राइम एंड सस्पेंस इतनी ज्यादा भरी पड़ी है कि खुद फिल्म बनाने वाले मेकर्स ने ये साफ साफ लिख दिया है कि कमजोर दिल वाले इस फिल्म से दूर रहे, साथ ही 18 एज वाले बच्चे भी इस फिल्म को ना देखें। तो भाई बांग्लादेश के ढाका में एक छोटा सा टूटा फूटा घर जिसके कमरे में रहते हैं 4 लोग और इसी कमरे से एक रात पुलिस स्टेशन में कॉल आती है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये जो कॉल आती है ये पुलिस से हेल्प नहीं मांगती बल्कि पुलिस को 3 खतरनाक मर्डर्स के बारे में बताकर खुद को सरेंडर करना चाहती है। कहानी की ट्विस्ट ये है कि फोन करते वक्त इस घर का कोई भी बंदा मरा नहीं है बल्कि सभी जिंदा ही है। मतलब समझिए फोन पे जिस तरह से इस मर्डर्स को बताया गया उसे लाइव दोहराया जाएगा। साथ ही वो बंदा कौन है जो किसी को मर्डर करने से पहले उसकी मौत का इन्फॉर्मेशन खुद दे डालता है। और वही कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न तब भी आती है जब ये मिस्ट्री कोर्ट एंड पुलिस के सामने खुलती है। सारे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं ये बंदा कैसे ये कर सकता है और भाई आखिर ये होता कौन है, इसलिए आपको फिल्म देखना ही पड़ेगा। बाकी ये वार्निंग याद रखना। अगली फिल्म है इवारू जो कि साल 2019 में रिलीज की गई थी। इस फिल्म की स्टोरी एक सीनियर ऑफिसर के मर्डर के अराउंड में घूमती है जिसका ब्लेम दूसरे के ऊपर पड़ती जाती है और भाई बदला लेने के चक्कर में लोग होश से कम जोश से काम लेते हैं जिस वजह से इसमें जान जाने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। वहीं खूनी का पता लगाने के लिए एक नए पुलिस अफसर की एंट्री होती है और इसको कुछ ऐसे सबूत सीक्रेट एंड मिस्ट्री का पता लगता है जिसको जानने के बाद इसका ही होश उड़ जाता है और भाई आपके तो होश उड़ ही जाएंगे। अगर आप इस फिल्म को फाइंड आउट करना चाहते हो तो ये फिल्म आपको Amazon प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी। इस फिल्म को रेटिंग भी बहुत ही अच्छी खासी मिली है 8.1 आउट ऑफ 10 में। अगली मूवी का नाम है हिडिंबा जो कि साल 2023 में रिलीज की गई थी और ये एक मेडिकल थ्रिलर टाइप की फिल्म है। फिल्म की स्टार्टिंग और एंडिंग इतनी खतरनाक होती है जो आपको कभी भी बोर नहीं होने देती है। इस फिल्म में लीड कैरेक्टर्स किडनैपिंग मिस्ट्री को सॉल्व करते नजर आते हैं। फिल्म की स्टोरी में हैदराबाद में अचानक से 16 लड़कियां गायब हो जाती है और सबसे बड़ी सस्पेंस वाली बात ये होती है कि जिन लड़कियों ने लाल कलर के कपड़े पहने होते हैं किडनैपिंग भी उन्हीं का क्यों कराया गया होता है। अब सवाल ये आता है कि कौन और क्यों इन लड़कियों को किडनैप करवा रहा होता है, ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना ही पड़ेगा। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग है जिसको IMDB पर 6.5 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 में। वहीं अगली मूवी की बात करें तो अगली मूवी है रंगी तिरंगा। इस फिल्म की शुरुआत एक गौतम नाम के लड़के से होती है जो एक राइटर रहते हैं और ये अपनी पत्नी इंदु के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे होते हैं। इनकी हंसी खुशी से बीत रही जिंदगी में तूफान तब आता है जब इनकी वाइफ इंदु रात में कुछ डरावने सपने देखने लगती है। यहाँ तक ये अपने पेट में पल रहे बच्चे को खोने से भी डर जाती है और इन सबसे छुटकारा पाने के लिए ये अपने घर में चल रहे सदियों से भूत पूजा ट्रेडिशन को पूरा करने के लिए अपने हस्बैंड को लेकर के अपने गाँव जाने को जिद करती है और लेकर के जाती भी है। और ये फिल्म यहीं से और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाती। दरअसल इनका ये गांव बाहर से जितना ज्यादा शांत लगता है ना, इस गांव में इंटर करने के बाद इसका उल्टा होता है। इस गांव के लोग डेली तरह तरह के हादसे से अपने जान गंवा रहे होते हैं और सबकी जान जाने के पीछे इंसान का कम बल्कि शैतान का ज्यादा हाथ रहता है। गौतम की इतनी अच्छी खासी जिंदगी अचानक से तब पलट जाती है जब किसी रात एक हादसे की वजह से इनकी पत्नी इंदु गायब हो जाती है। अब आगे इस फिल्म में क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखना ही पड़ेगा। इस फिल्म को भी IMDB पर अच्छी खासी रेटिंग मिली है 8.5 आउट ऑफ 10। बाकी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना हमारी अगली वीडियो के लिए। बहुत जल्द मिलता हूँ नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।